हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। जैसे कि ICICI डायरेक्ट आपका जो बाइंग प्राइस दिया है, टारगेट प्राइस दिया है, करंट प्राइस में बाइंग प्राइस दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 1540 का। तो दोस्तों, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से 10 से 12% आपका प्रॉफिट सीधा सीधा आने वाला है। मेरे हिसाब से मानो तो ये टारगेट जो है 1650 क्रॉस करने वाला है अक्टूबर लास्ट तक। जैसे कि 25% नेक्स्ट ईयर भी ये आपका अप मूव जाने वाला है। मतलब आने वाले साल में भी टाटा स्टील और स्टील सेक्टर का डिमांड रहने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी देखो दोस्तों अभी बहुत होना बाकी है इंडिया में। कोविड के चलते ये सब ठप पड़ा हुआ था, तो अभी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा स्टील सेक्टर में। जैसे कि व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर में 90% एक्सपर्ट अभी भी बाइंग के राय दे रहा है, और सब कुछ एनालिसिस के ऊपर से आपका एक्सपर्ट जो पहले 88% दे रहा था अभी 2% और बढ़ा दिया है। अभी फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख सकते हो, 2021 में 1.59 करोड़ का आपका जो लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है उस हिसाब से आपका और ज़्यादा आगे आने वाले साल में होने वाला है। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी स्टील अभी कंस्ट्रक्शन का काम के लिए देखो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्लांट में भी आपका स्टील का रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से दोस्तों बहुत आने वाले टाइम पे ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए टाटा स्टील इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपका स्टील प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूम आएगा और स्टील सेक्टर में तो डिमांड अभी भी बरकरार रहेगा। दोस्तों बुक वैल्यू देख सकते हो 611 का है, और अभी देखो 50 जो येलो लाइन है ये है आपका 50 डेज DMA का, तो इसको भी टच ना करते हुए और आगे जाके 1650 को क्रॉस करने वाला है। दोस्तों डेप्थ रिड्यूस किया है, ये हमें इंटरेस्ट अगले आने वाले चार्ट में पता चल जाएगा। हेल्दी डिविडेंड पेड करता है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 14,000 से लेकर 16,000 हो गया जून 2021 में। और सबसे बड़ी बात है कि देखो टैक्स देने के बाद भी आपका बहुत अच्छा इसका रिटर्न रहता है दोस्तों, और इंटरेस्ट देखो 7,600 से लेकर 7,400 हो गया, तो 200 करोड़ का इंटरेस्ट कम हो गया। मतलब बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट पेड कर रहा है कंपनी अपना जो भी डेप्थ है। और CAGR देख सकते हो कि 5 ईयर में 32%, जो 30 एंड अबव के लिए मेटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कमोडिटी में एक बार जब रैली आता है तो वो सालों साल चलता है दोस्तों, 3-4 साल तो चलेगा ही। और चाइना से भी अभी स्टील का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड बरकरार है, और कोई भी ज़्यादा टैक्स लगा नहीं रहा है, तो इंडियन कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और टेक्निकली देखो बुलिश है, टेक्निकली मॉडरली अभी स्ट्रांग है। और RSI देखो 56 में है, जो हमें ओवरबॉट जोन में है नहीं, तो ये अभी बहुत मतलब 70% है ना वो भी ओवरबॉट जोन में है। RSI और MFI दोनों अभी मिड रेंज में है, तो बहुत